ये देखिए सिटी ब्यूटीफुल के अंदर एंटर कर चुके हैं और यहाँ पर बैरिकेड्स ही बैरिकेड्स है और यहाँ पर बहुत सारी पुलिस खड़ी है और किसी को भी बिना परमिशन के यहाँ से जाने की इजाज़त नहीं है, चंडीगढ़ में एंटर करने की इजाज़त नहीं है। तो जी वेलकम है जी आपका एक बार फिर से बाज़ूका वर्ल्ड में और आज तारीख है 30 अप्रैल और बज चुके हैं 10:25। तो आज मैं जा रहा हूँ बाहर, ये जगह जी अपने आगे गाड़ी लेके। सर क्या हाल है? वेरी गुड। सो ये हमारे जग्गा जी बहुत ही प्यारे इंसान। तो ये सैनिटाइज प्रॉपर आजकल चलता है सर। तो आज तकरीबन 30-35 दिनों बाद निकल रहे हैं, 30 दिनों बाद घर से, जगह ही तो जाते रहते हैं। जितने प्रिकॉशंस ले लोगे हाँ उतने अच्छे रहोगे। तो आज बेसिकली एक छोटा सा सिटी टूर दूंगा, जो पहले सड़कें कैसी रहती थी वो अब कैसी रहती है। सबसे बड़ा खतरा अब जो कोटा से स्टूडेंट आए थे वो और नांदेड़ साहब से जो 3200 पिलग्रिम्स आए हैं, जो श्रद्धालु आए हैं, उनमें से बहुत से लोगों को कोरोना पॉजिटिव पाया गया। ये जो फ्लाईओवर है यहाँ से मोस्टली जब भी दिल्ली से चंडीगढ़ आते हैं तो ये फ्लाईओवर से गुजरते हैं और यहाँ पर भी ट्रैफिक मिल जाती है। एंड दिस इज़ टोटली एम्प्टी राइट नाउ राइट अवे। जो खास खास गाड़ियां हैं, जो राशन वाली गाड़ियां हैं, जिनको परमिट मिला हुआ है वो ही नज़र आएंगी इक्का दुक्का आपको, या डॉक्टर्स नज़र आएंगे या इमरजेंसी ड्यूटी वाले कुछ लोग नज़र आएंगे। तीनों स्टेटों में जाके आएंगे, चंडीगढ़, पंजाब और हरियाणा। सभी चंद मिनटों में ही चंडीगढ़ का एंट्री पॉइंट शुरू होने वाला है। वहाँ पर चेकिंग होगी, जाँच होगी, पता किया जाएगा ये लोग कहीं अदर स्टेट से तो नहीं आए हैं। अदर स्टेट का मतलब किसी अनटूवर्ड जगह से जहाँ पे कोरोना का ज़्यादा खतरा। तो ये पहला चेक पॉइंट आ गया। तो यहाँ से सिटी ब्यूटीफुल देखिए, उन्होंने थर्मामीटर पकड़ा हुआ है। ये सिटी ब्यूटीफुल का चेक पॉइंट है और ये थर्मामीटर पकड़ के हर एक को चेक करेंगे यहाँ से। तो देखिए यहाँ पर ये चेक कर रहे हैं यहाँ पर एंट्री पॉइंट पे। ठीक आ गया मैडम? ठीक आ गया। हाँ जी, थैंक यू जी। ये देखिए सिटी ब्यूटीफुल के अंदर एंटर कर चुके हैं और यहाँ पर बैरिकेड्स ही बैरिकेड्स है और यहाँ पर बहुत सारी पुलिस खड़ी है और किसी को भी बिना परमिशन के यहाँ से जाने की इजाज़त नहीं है, चंडीगढ़ में एंटर करने की इजाज़त नहीं है। आप अगर घर पे बैठे तो घर पे बैठे रहिए भैया, ओनली इन एमरजेंसी अगर आपके पास पासेस हैं देन ओनली कम आउट। ब्यून चौंग से अगर मैं जीरकपुर आता था 8 या 9 किलोमीटर पड़ता है राइट, तो तकरीबन एक घंटा लगता था। ये कंटिन्यू आप देख सकते हैं कि भैया ये सड़कें पूरी खाली हैं। ट्रिब्यून चौक थोड़ी देर में आ जाएगा और ट्रिब्यून चौक के बाद सर सारे एंट्री पॉइंट्स बंद है चंडीगढ़ के, है ना? ट्रिब्यून चौक से पहले भी बंद है, अगर आप अंदर की तरफ कहीं से जाना चाहो तो हर जगह नाका लगा हुआ है, हर जगह आपकी पूछताछ होगी, कहाँ की कहीं से कोई ट्रिक्स है, जो छुपे रास्ते हैं वहाँ से भी निकल के अंदर ना आ जाए। अच्छा। और ये लाइटें सब बंद हो चुकी हैं, ट्रैफिक लाइट्स। अच्छा, ट्रैफिक लाइट्स बंद है। हाँ, ये इसीलिए क्योंकि ट्रैफिक ही नहीं है। एक तो वहाँ पर चेकिंग हुई थी, ठीक 3 मिनट बाद एक और चेक पॉइंट आया और यहाँ पर भी रोक के चेकिंग की जा रही है पासेस की। तो ये अपनी पुलिस दिन रात तैनात है यहाँ पर और दिन रात ये लोग पूरे तैयार हैं, पूरे जज्बे के साथ यहाँ पर है और देखिए सैनिटाइज प्रॉपर किया हुआ है इन्होंने। बड़ी हार्ड ड्यूटी है इनकी सर जगह जी। बिल्कुल बिल्कुल जी, आपको जगह जगह पे एक एक सेक्टर में दो दो जगह आपको नाके नजर आएंगे। अच्छा, सारी पुलिस फोर्स है, इवन ये लोग ट्रैफिक रूल्स को भी देख रहे हैं ताकि कहीं जाने अनजाने में किसी को परमिशन मिली हो और वो ओवर स्पीड ना चल रहा हो तो ओवर स्पीडिंग की जाँच भी हो रही है। अच्छा। और ये 32 का हॉस्पिटल देखिए, कोविड पेशेंट ही हैं और पेशेंट्स बहुत कम है यहाँ पर राइट? कम है, कोविड वाले पेशेंट है, ओपीडी बंद है। बड़े हॉस्पिटल्स में जहाँ पे कोविड वाले केस डील किए जा रहे हैं वहाँ पे इन्होंने
जनरल ओपीडी बंद कर दी है, लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उनकी सपोर्ट ली है ताकि ओपीडी लोगों को अगर जनरल प्रॉब्लम आती है वो कर सके। दूसरा टेली मेडिसिन सिस्टम यहाँ पे शुरू किया हुआ है, किसी को भी प्रॉब्लम आती है तो उसके लिए लोग टेलीफोन करके डॉक्टर से अपनी ओपिनियन ले सकते हैं, अगर इमरजेंसी पड़ती है तो फिर उनको बुला भी लिया जाता है। हर सेक्टर में एंटर करते ही नाके, हर सेक्टर में दो दो नाके हैं। अच्छा, आमने सामने ये देखिए दो नाके हैं और एग्जिट पॉइंट पे भी है। किसी भी सेक्टर में अगर आप घुस भी जाते हैं, क्योंकि चंडीगढ़ के बहुत सारे एंट्री पॉइंट्स हैं, अगर पैदल चल के या स्कूटर पे या किसी और जरिए से घुस जाते हैं, लेकिन फिक्र मत कीजिए, आपका अगले चौक पे चेकिंग हो ही जाएगी। बिल्कुल, तो आप चंडीगढ़ बिना पास के और बिना काम के बिल्कुल मत आइएगा। तो चंडीगढ़ की मोबाइल मार्केट है सबसे बड़ी, और ये देखिए यहाँ पर भी भीड़ खचाखच रहती है, और ये भी खाली पड़ी है। बसेस की जो सर्विस है वो बिल्कुल बंद है। हाँ। और लोकल जो बसेस हैं उनको जो चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने लोक सेवा के लिए लगाया है। मेन प्लाजा पे जा रहे हैं जिसको चंडीगढ़ का एक ब्रांड दिया हुआ है, सिंबल सिग्निया जिसको बनाया हुआ है चंडीगढ़ में, चंडीगढ़ के नक्शे में, उसी पॉइंट पे हम जा रहे हैं। बंद कर रखा है, तो ये तो मीडिया का पॉइंट भी बना हुआ, सेंटर पॉइंट है ना। हाँ, हम चलिए हैं। तो ये है भैया चंडीगढ़ का सेक्टर 17, और यहाँ पर देखिए आप, ये 17 सेक्टर कभी भी खाली नहीं देखा होगा आपने। ये देखिए पुलिस हर एक से क्वेरी करते हुए कि लोग कहां से कहां जा रहे हैं, कहां कहां की वॉकिंग चल रही है, हर एक चीज़ देखते हुए, नोट करते हुए, लोगों से मिलते हुए। सो बेसिकली आपने देख लिया होगा कुछ लोग बिना परमिशन के यहाँ पर आ चुके हैं, तो अपने आप को लेबर कह रहे हैं, लेकिन बिना परमिशन के यहाँ पर आना इकट्ठा होकर सेक्टर 17 में, और कह रहे हैं कि हाँ भैया हम जा रहे थे परमिशन लेने के लिए, जबकि गवर्नमेंट के स्ट्रिक्ट निर्देश है कि जब तक आपको ऑनलाइन परमिशन ना मिले आप बाहर नहीं निकल सकते। मुश्किल का सामना कर रहे हैं आम लोग भी, बट अल्टीमेटली हमें लॉकडाउन ही रहना है और लॉकडाउन का पालन करना है, जब तक पास ना हो आने जाने का तब तक। ये पुलिस देखिए कार्रवाई में लगी है। इनका जो दावा है कि SDM ऑफिस में ये परमिशन लेने के लिए गए थे, वहाँ परमिशन मिली नहीं, तो इनके मन में ये कॉन्सेप्ट था कि शायद हम पैदल पैदल कहीं भी जा सकते हैं। तो इसीलिए अगर आपके पास परमिशन नहीं है, नो डाउट सारा देश ही है, हम आप सब लोग ही झेल रहे हैं भैया, तो आप घर पे रहिए, लॉकडाउन रहिए और निर्देशों का पालन कीजिए भैया गवर्नमेंट के। आप देखो यार, ये अभी एक छोटा सा ग्रुप था, ऐसे करते अफवाहों से ग्रुप बन जाते हैं सर। बिल्कुल सही बात है आपकी, ये 40 लोग हैं अभी, और इनके साथ के पता नहीं, ये पलसोरा है गाँव चंडीगढ़ का, तो ये वहाँ रुके हुए हैं पलसोरा में, तो वहाँ और भी बहुत लोग हैं, ये लेबर के लिए आते हैं। अभी यहाँ पे ये अफवाहों का मौका है। लॉकडाउन का जो एक ट्रेजिक पॉइंट था वो तो हमने देख लिया, लेकिन एक बेहतर पॉइंट है कि आप नज़र डालिए, चंडीगढ़ बहुत सुंदर हो चुका है, ग्रीनरी बहुत हो चुकी है। अगर आप कहीं दूर खड़े होके देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे आप एक फ्लावर बकेट्स को देख रहे हैं। वहाँ पर
हाई कोर्ट है और ये सेकंड गेट है, ये देखिए। और हम एक बार हाई कोर्ट की तरफ निकलेंगे। ये हाई कोर्ट है और कोर्ट बंद है इस टाइम, सब कुछ सारा काम इस टाइम कोर्ट का ऑनलाइन चल रहा है। मजेदार सड़क जिसको कहते हैं सेक्रेट हाई कोर्ट और लेक रोड, ये हमेशा भरी भरी रहती है क्योंकि यहाँ इसके पीछे गांव भी है और यहाँ सबसे मेजर दफ्तर है और सारे जो आईएएस ऑफिसर्स हैं इसकी अगल बगल में रहते हैं, मिनिस्टर भी और आपके सीनियर मोस्ट ऑफिसर भी। तो ये लेक आपको दिखा रहे हैं भैया, सो लेक नेवर सीन बिफोर, सो आइडल। तो ये लेक बेसिकली क्या रहता है, जितने टूरिस्ट हैं वो आते हैं, वीवीआईपी लोग आते हैं यहाँ पर मॉर्निंग वॉक करने, क्योंकि इसका जो वॉकिंग एरिया है दैट इज़ क्वाइट लॉन्ग और लेक बड़ी खूबसूरत लग रही है देखिए। बापू धाम कॉलोनी, ये थोड़ा हाई सेंसिटिव जोन एरिया है सर, और सबसे ज़्यादा जो है सबसे ज़्यादा केसेस यहीं पे आए हैं, सबसे ज़्यादा केसेस यहाँ पे। एक मेडिकल लाइन का जो एम्प्लाई है वो यहाँ रहता था, वो उसने एक पार्टी दी थी तो उससे लोग जुड़ते गए और बड़ी बहुत चंडीगढ़ में सबसे ज़्यादा यहीं पे है। क्या है बेसिकली, सारे लोग लॉकडाउन है, जो लोग लॉकडाउन नहीं है वो लॉकडाउन रहो, एक बार फिर से कह रहा हूँ, घरों में रहो। ये देखिए ये पंचकुला एंटर कर रहे हैं अभी क्या नहीं है, आगे नाका लगा होगा वहीं पे सब कुछ नजर आ जाएगा। तो अभी पंजाब से पंचकुला मतलब कि हरियाणा एंटर कर रहे हैं अभी, चंडीगढ़ से सॉरी पंजाब आ गया, पंजाब चंडीगढ़ हरियाणा। तो ये बड़ा ही हम उस जोन में रहते हैं कि बेसिकली हमारे वीआईपी रोड जीरकपुर में फिलहाल तो कोई केस नहीं आया, लेकिन ये वो सामने पंचकुला का आपका फर्स्ट नाका आ गया जहाँ पे एंट्री होती है, ये देखिए ये वेलकम टू पंचकुला लिखा है और ये भैया वेलकम एक नाके के साथ, और यहाँ पर अपना चेकिंग होगी, प्रॉपर चेकिंग होगी, प्रॉपर आई कार्ड देखे जाएंगे, प्रॉपर आपके पास देखे जाएंगे, उसी के बाद आपको एंट्री मिलेगी। भैया ये बहुत तगड़ी ड्यूटी कर रहे हैं ये लोग, पुलिस वाले खतरनाक ड्यूटी कर रहे हैं अभी, बिकॉज ये फ्रंटियर्स असल तौर में ये फ्रंटियर्स हैं, इनको नहीं मालूम उस पेशेंट में कोरोना और कहाँ से आ रहा है कहाँ से नहीं आ रहा है, और हर पेशेंट के साथ हर बंदे के साथ मिलना इनकी ड्यूटी है, बाकी लोग फिर भी अवॉइड कर सकते हैं लेकिन ये और डॉक्टर्स ये दो फ्रंटियर हैं। सबसे बड़ी बात जो है कहने वाली कि पुलिस का एटीट्यूड आपको इस बार बिल्कुल बदला हुआ लगा है, बड़े प्यार से बात कर रहे हैं सबसे। चंडीगढ़ और पंजाब में तो कर्फ्यू है लेकिन हरियाणा में कर्फ्यू नहीं है। तो मतलब यहाँ घूम सकते हैं? नहीं घूम नहीं सकते, यहाँ भी लॉकडाउन का बिना मकसद के आप बाहर नहीं आ सकते यहाँ भी। कोई ऑफिशियली पनिशमेंट तो नहीं है लेकिन सोशली पनिशमेंट है, जिसको कान पकड़वा दिया या अगर डाउट लगा तो उसको 14 दिन के लिए एकांतवास वाले इसमें डाल दिया। सो एक ग्रॉसरी शॉप का भी आपको नज़ारे दिखाता हूँ, ये देखिए ये यहाँ पर रखे हुए हैं, इन्होंने पॉइंट्स बनाए हुए हैं, लेकिन यहाँ पर अभी फ़िलहाल तो रश नहीं है। और ये पंचकुला की एक शॉप है, यहाँ पर आए हम और सबसे पहले यहाँ पर आपको सैनिटाइज़र दिया जाएगा। यू हैव टू मेंटेन डिस्टेंस व्हाइल शॉपिंग एनीथिंग, सो बेसिकली सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए ही आप शॉपिंग कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे जगह जी शॉपिंग कर रहे हैं और प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग ही रखनी पड़ेगी आपको। सही बात है कि आज बेसिकली मकसद था ये ब्लॉग बनाने का आपको कि पंजाब चंडीगढ़ और हरियाणा में क्या हाल है, बेसिकली ये तीनों जगह में, जैसे कि हम जीरकपुर
चंडीगढ़ और पंचकुला से गुजर रहे हैं, ये तीनों सिटीज में क्या हाल है इस टाइम? तो पंजाब में कांग्रेस है और हरियाणा में बीजेपी है, और चंडीगढ़ की कोई स्टेट नहीं है लेकिन वो सेंटर के अंडर है, यूनियन टेरिटरी है। कभी बड़े बड़े शोरूम हैं, खाने पीने वाले KFC है, डोमिनोज है, और बड़े बड़े मॉल्स हैं, रेस्टोरेंट हैं, जिनके बारे में कहा जाता था कि अगर ये एक दिन भी बंद हो जाए तो दुनिया पागल हो जाएगी, दो दिन बंद हो जाए तो लोग मरने शुरू हो जाएंगे। देखिए आज 1.5 महीना हो चला है बंद है, किसी को एहसास भी नहीं है। मेरे सामने ये बिग बाज़ार आ रहा है, तो कभी ये अपने ज़माने में फुल माना जाता था। बट खाना पीना खूब चल रहा है भैया, घर बैठने का एक लॉस तो ये हो रहा है कि हर एक घंटे बाद आपके घर वाले आके पूछते हैं कि हाँ भैया क्या खाओगे, अगला क्या। तो आप खाते जा रहे हैं, और मैं फिर भी गली तो 2 घंटे वॉक करते थे, 1-1.5 घंटा वॉक कर लेता हूँ, तो पर फिर भी वो उसी वेट जितना था उतना ही है, बड़ा नहीं है क्योंकि हम वॉक कर लेते हैं थोड़ी बहुत। लेकिन जो लोग वॉक नहीं कर रहे उनका तो भैया जी थोड़ी सी अमेंडमेंट करूँगा आपकी बात में, कि हर घंटे बाद घर वाले पूछ लेते हैं क्या खाना है, थोड़ा खुल के बोल दीजिए, मैं घर वाले कहते हैं बनाओ क्या बनाना है, बनवाते हैं साथ में, कॉपरेशन मांगते हैं फैमिली। तो जग्गा जी का ये हाल चल रहा है आजकल, सबका जग्गा जी का ये हाल चल रहा है, वो छुपा रहे हैं जग्गा जी, झाड़ू जो लोग मुझे देख रहे हैं, मैं तो पहुंचा भी यही है, मैं तो रोज बना रहा हूँ आजकल, रोज बना रहा हूँ, और मैं डाल भी रहा हूँ, फूड शो भी शुरू कर दिया ना आपको मालूम है, मेरी किचन मैक्सिमम कॉपरेशन आपको इन दिनों में मिल रही है सबको। तो फाइनली पहुँच चुके हैं जीरकपुर वापस, और ये VIP रोड जीरकपुर, ये हाल हुए थे भैया घर आते ही। तो हर एक चीज़ कहते हैं ना जगह, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। और भैया ये व्लॉग यहीं पर ख़त्म करते हैं, आपको अच्छा लगा यहाँ तक देखा तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और कीप वॉचिंग बज़ूका वर्ल्ड, अपने वैल्यूएबल कमेंट्स दीजिए भैया, तो आप लोगों के कमेंट्स सब्सक्रिप्शन और जो लाइक्स है ना वही मोटिवेट करते हैं, तो थैंक्स अ लॉट, इट्स ऑल अबाउट ज़ूका बज़ूका, थैंक यू।